हेलो गाइस, मैं भारती शाक्यवान आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेवा पाक। आइए जानते हैं फिर कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी मैंने 250 ग्राम लिया है और इसमें से थोड़ा सा बचा भी लिया है, इसका हम बाद में यूज़ कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। घी गरम हो गया है हमारा, अब इसमें मैंने एक कटोरी मखाने डाल दिए हैं। इनको हमें तलना है और इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए तलेंगे। तलने पर मखाने बड़े ही करारे और क्रिस्पी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं ये। बस ये तले ही वाले हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी घी में मैं आधा कप गोंद डाल दूंगी। गोंद थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ये देखिएगा आप कितना फूलता है गोंद। ये देखिए थोड़ा सा ही गोंद कितना सारा हो गया है। गोंद अधिक तौर पर सर्दियों में ही खा जाता है और इसके लड्डू और पाग ही बनाए जाते हैं। इसको भी हम 1 से 2 मिनट ही तलेंगे। और ये हमारे तल गया है, अब इसे भी हम उस प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने मखाने निकाले थे। अब इसी घी में हम 1 कप छुआरे डालेंगे। छुआरों को हमने छोटे छोटे काट लिया है, इनको हम 1 मिनट ही तलेंगे, ज़्यादा नहीं तलना छुआरों को। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम घी में 1/2 कप काजू डालेंगे, 1/2 कप बादाम डालेंगे और 1/2 कप इसमें हम अखरोट डाल देंगे और इन सबको तल लेंगे एक साथ। इनको भी हमें 1 से 2 मिनट ही तलना है, बस अब इन्हें निकाल लेंगे हम प्लेट में। अब 1 ढक्कन किशमिश डालेंगे हम घी के अंदर, इनको भी तलना है। ये एकदम फूल जाती हैं, इनको तलने पर ये हमारी फूल चुकी हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इस घी में हम 1 कप गोला डाल दिया है और 1/2 कप मूंगफली के दाने और 1/2 कप मगज डाल देंगे। इन सबको भी हम तल लेते हैं और फिर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा, ब्राउन कलर आ गया हमारा गोले पर, निकाल लेते हैं। अब हमें जो मखाने हैं उनके हम टुकड़े करेंगे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम कूट लेंगे थोड़ा सा। टुकड़े हो गए हैं इसके, ऐसे ही हमें सबके करने हैं मखानों के, क्योंकि और चीज़ें हमारी कटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, तो मखाने भी हम उनके साइज के ही करने हैं हमें, इसलिए सारे मखानों का हम इस तरीके से ही कूट लेंगे। अब ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। रेडी हो गया हमारा मिक्सचर, अब हम क्या करेंगे आगे वो देखते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। 1 कटोरी मतलब 300 ग्राम के करीब चीनी ली है मैंने और इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। शुरू में फ्लेम हमें हाई रखनी है ताकि चीनी जल्दी पिघल जाए। चीनी को घुलने में टाइम लगता है और इसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे चाशनी को।
चीनी पिघल चुकी है और खदक पड़ने लग गए हमारी चाशनी में। अब इसमें मैं चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दूंगी, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता है इलायची से। अब हम चेक करते रहेंगे कि हमारी चाशनी तैयार हुई है या नहीं हुई है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। देखिए हमारा तार रेडी हो गया, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी गैस कम कर देंगे और उसमें जो तैयार किया हुआ मिक्सचर है वो डालेंगे। ये सारा मिक्सचर मैं डाल दूंगी चाशनी में और इसको धीरे धीरे चारों तरफ से अच्छे से मिला लूंगी ताकि चाशनी और मिक्सचर दोनों मिल जाए। और इसे हम एक थाल में निकालेंगे, जिस थाल को मैंने पहले से ही घी लगा रखा है। अब हम इसे थाल में निकालेंगे, ये मिल गया हमारा ठीक से। अब इस सारे मिक्सर को हम थाल में निकाल देंगे और फिर इसको चारों तरफ फैला देंगे ठीक से, और साथ के साथ हम इसे दबाते भी जाएंगे। जल्दी जल्दी दबाना है इसे क्योंकि चाशनी के ठंडे होते ही फिर चिपकेगा नहीं हमारा पाग। चाशनी बहुत जल्दी ठंडी होती है सर्दियों में। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा पाग ठंडा हो गया है और सेट भी हो चुका है। अब इसे मैं चक्कू की सहायता से निकाल के दिखाती हूँ। पाग अधिक तौर पे सर्दियों में खाया जाता है और सर्दियों में खाना अच्छा है क्योंकि इसको खाने से शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और ये गर्म भी होता है शरीर के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।